जी, जीवन का मूल संतोष है तो फिर आकुलता क्यों? चाहे वह कोई भी फील्ड हो, संतोष की परिभाषा आखिर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। जब मूल संतोष, सुख का मूल संतोष है तो आकुलता क्यों, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आकुलता क्यों? ये बात सही है, जहाँ आकुलता है, रंच मात्र भी आकुलता है, तो वहाँ अशांति होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इस अशांति से अपने आप को बचाना है तो हमें असंतोष के कारणों को जानना होगा। संतोष और असंतोष में क्या अंतर है, बोलो, आप ही बोलो। एक आ का अंतर है ना, संतोष में अ लगा दो तो असंतोष हो जाएगा। बस मैं आपसे कहता हूं, ये आ ही मुसीबत है। हर व्यक्ति उस आ को पकड़ा हुआ है, क्या अभाव और अल्पता का। मेरे पास इसका अभाव है, मेरे पास इसकी अल्पता है, मुझे मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। जब तक तुम्हारे जीवन में कमियां खलती रहेगी, मन असंतुष्ट रहेगा। चाहे तुम्हें गृहस्थ हो, बड़े धनपति हो, या तुम बड़े तपस्वी साधु भी क्यों ना हो, कोई नहीं बचा। अगर अभाव का एहसास होगा तो दुख की अनुभूति होगी, और चाहे कितना भी अभाव और चाहे कितनी भी अल्पता हो, अगर तुम्हारे मन में संभाव होगा तो हर पल प्रसन्न रहोगे। इसलिए इस आ को हटा दो, संतोष अपने आप आ जाए। नमस्ते।